रश्मि देसाई ने प्रतीक के सामने अपनी दिल की बातें रखी हैं। आप जानते ही हैं कि घर में कुछ इक्वेशंस ऐसी हैं जिनके बीच में हमने शुरू से अभी तक किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं देखा, और उनमें से ऐसे ही दो कॉन्टेस्टेंट हैं रश्मि और प्रतीक। रश्मि और प्रतीक जो है, प्रतीक की ड्यूटी चॉपिंग की है और उसको जो आज सुबह भाजी मिली है गवार काटने के लिए, और उसमें बहुत टाइम लगता है और इतने लोगों का खाना पकाना, तो रश्मि उसकी हेल्प कर रही है। रश्मि अपने दिल की बात करती हुई नजर आई कि कैसे घर के अंदर उमर के जाने के बाद एक एक करके जो है लोगों ने उसे धोखा देना शुरू किया, अलग होते गए। तो प्रतीक ने कहा कि उसे तो लगता था कि तुम चारों बहुत अच्छे दोस्त हो जिसको सेपरेट किया ही नहीं जा सकता। जिस पर रश्मि ने कहा ऐसा नहीं था, घर में इक्वेशंस तो बदलती हैं और उमर के जाने के बाद ज़्यादा बदली। तो प्रतीक कहते हैं देखो, उम्मीद तो किसी से भी नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, ये घर ही ऐसा है, गेम ही ऐसा है। तो अब प्रतीक जो है वो रश्मि को बहुत धन्यवाद देते हुए भी नजर आए कि तुमने इतनी जो मुश्किल काम था उसमें मेरे साथ बैठकर जो मेहनत की है, थैंक्स। और अब रश्मि भी अपने दिल की बात जो है, और खासकर उमर को लेकर जो उसको जाने के बाद फील हो रहा है, घर में इक्वेशंस बदल रही हैं, उसको लेकर बातें जो हैं वो प्रतीक के साथ शेयर करती हुई नजर आई हैं। तो एक बात तो तय है कि घर में लगातार जो है वो बदलती जा रही हैं चीज़ें और बदलाव हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो रश्मि को लगातार लग रहा है कि उमर के जाने के बाद जानबूझकर सब उसको टारगेट कर रहे हैं, उसी चीज़ को वो प्रतीक के सामने बयां करती हुई नजर आई है।